हेलो अर्णव जी, कैसे हैं आप? हेलो मोनिशाली, मोस्ट वेलकम मोनिशाली, थैंक यू फॉर लाइक मोनिश जी। कैसे आप सब लोग? अर्णव राज ब्लॉग, ओके, हाय, हेलो हेलो अर्णव जी, कैसे हैं? रौनक रौनक आ गए हैं। हेलो रौनक रौनक जी, अर्णव जी बोलो, यू आर द बेस्ट। थैंक यू अर्णव जी। और रौनक जी मोस्ट वेलकम। अर्णव जी, आपका चैनल नया बनाया क्या आपने अभी? रौनक रौनक बोल रहे हैं, ओके। और लवी जी आ गई है, मोस्ट वेलकम लवी जी। लवी जी लिख रही है लाइक डन। अटल जी बोल रहे हैं यस, ओके अटल जी। हेलो, क्या हाल है? अर्णव जी बोल रहे शो योर फेस, एक मिनट अर्णव जी, पहले हम थोड़ा क्लीन सफाई कर दें, उसके बाद बातचीत करते हैं आप लोगों की। अर्णव जी बोल रहे भाई प्लीज प्रमोशन करा दो। ओके अर्णव जी, करते हैं आपके लिए भी कुछ। सुनो जी, बोलो मुझे एक गोड का आता दे दो, मतलब गोड का आता क्या होता है?
वीके सर आगे, मोस्ट वेलकम वीके जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर लाइक वीके जी। हो गया हमारा केस क्लीन। अब हम लोग इनके जो है फूड, जो इनके फूड पाए थे वो अर्नब जी बोल रहे हैं भाई सब्सक्राइब कर दो। ओके अर्नब जी, भाई अर्नब जी सब कनेक्ट हो जाओ, लाइक फर्स्ट लाइक, अर्नब जी ने फर्स्ट लाइक किया आज। चलो फ्रेंड्स अर्नब जी कनेक्ट हो जाओ, बाद के बाद जी क्या हुआ? रौनक जी बोल रहे हैं हेलो। तो हेलो रौनक जी, रोनक जी बोल रहे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोनक जी, और ब्रेकफास्ट हो गया आपका? रौनक जी बोल रहे हाँ भाई ओके रौनक जी, आपका ब्रेकफास्ट हो गया है। What happened?
क्या हो गया कैमरे को? अरे क्या यार, क्या हो गया ये? हेलो गाइस, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से लाइव ऑफ हो गई थी। तो आप बताएं आप कैसे हैं? वो इज योर फेवरेट यूट्यूबर? अर्णव जी ऐसे तो बहुत है। वीके जी बोल रहे हैं बफ है, बिल्कुल वीके जी, अभी लाइव थोड़ी बफ हो गई थी बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी और लाइव नहीं चल पा रही थी, इसलिए बफ हो गया था। चलिए बाकी के काम प्रोसेस शुरू करते हैं हम लोग, सफाई का। हाँ जी, किट्टू ओए, अरे आपके पास ये पैड्स वगैरह हैं क्या? हाँ जी, अरुण जी बोल रहे रिप्लाई, किस चीज का रिप्लाई? अरुण जी आप भी बैठ सकते हैं क्या? अर्णव शर्मा जी बोल रहे आई हैव आल्सो रैबिट। ओके, कितने रैबिट आपके पास?
बोल रहे हैं ही सो क्यूट, बिल्कुल अर्नब जी। कम जी, बोल रहे वन। ओके वन है आपके पास, एक रैबिट है। ओए किट्टू बेटा, अभी आपको फूड देते हैं खाने के लिए, ठीक है। विकी जी बोल रहे हैं हेलो। तो हेलो विकी जी, तो हाँ जी, तो रश्मि जी आ गई, मोस्ट वेलकम रश्मि जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर लाइक रश्मि जी। और अर्णव जी बोल रहे हैं व्हाट इज योर रैबिट नेम, तो अर्णव जी माय रैबिट नेम इज किट्टू। और विके जी बोल रहे हैं हेलो ऑल, विके जी बोल रहे हैं क्यूट बनी, थैंक यू विके जी। अर्णव जी बोल रहे हैं रिप्लाई, तो अर्णव जी रिप्लाई मैंने आपका कर दिया है, रैबिट का नाम जो है किट्टू है।
और बहुत जल्द जो है इसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर वीडियो में आपको अवेलेबल दिख जाएंगे। अभी क्या है, इसकी जो फीमेल थी वो किसी वजह से मर गई है, अभी अकेला ही है मेरे पास, और कुछ दिनों में आपको जो इसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। 8 likes, ये लो चलो खाओ। पेट्स को भी खाना देते हैं। अर्जुन बोला योर रैबिट इज बेस्ट। अच्छा अर्जुन जी, थैंक यू। किट्टू आजा ले ले ले, ये खा ले। तो रैबिट ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है उसका, उसको भी हमने विशल दे दिए कुछ और खीरा दे दिया उसको बस खाने के लिए। और घास जरूर दे दोस्तों रैबिट को ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में घास जो होती है सूखी घास जो कहते हैं वो ज़रूर दे, वो मैंने उसको दी हुई है और इसके लिए भी और लेके आनी मुझे, तो वो भी मैं उसको भी दूंगा। और लवी जी इज सो क्यूट, थैंक यू लवी जी। रश्मि जी बोल रहे हैं हेलो ऑल, तो सबको रश्मि जी हेलो बोल रहे हैं फ्रेंड्स।
अर्नब जी बोल रहे हैं ही इज सो क्यूट, थैंक यू अर्नब जी। ऐसा तो एक क्यूट बहुत ज्यादा है, रैबिट्स वगैरह क्यूट्स होते हैं, बनी जो होते हैं ना क्यूट्स ही होते हैं। आपकी वीडियोस में वॉच करता हूँ लाइव के बाद एक बार। अर्नव जी मैसेज डिलीट मत कीजिए ज़्यादा। और अर्नव जी पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज अवनीश। मैसेज डिलीट मत कीजिए अर्नव जी, स्पैम हो जाते हैं ना मैसेज। Thank you.
अर्नव जी बोल रहे हैं, आई एम ब्लॉगर। आई नो अर्नव जी, यू आर ब्लॉगर। मैंने आपकी वीडियोस अभी वॉच की थी कुछ देर पहले, इसमें अपने विलेज का भी ब्लॉग किया हुआ है, दुर्गा पूजा का। तो मैंने वॉच की है आपकी वीडियोस, अच्छी वीडियो बनाते हो आप। जी लिख रहे हैं हाय, लेकिन रश्मि जी हाय, और जानवी जी कमेंट करती हैं वाओ, थैंक यू जानवी जी। वीके सर आप इस आगे हैं, वीके जी बोल रहे हैं हेलो, तो हेलो वीके जी। अर्जुन जी पूछ रहे हैं वेयर आर यू लिविंग, तो अर्जुन जी आई एम लिविंग यूपी, उत्तर प्रदेश। आप कहाँ से हैं अर्जुन जी? कहाँ से अर्ण जी आप? अच्छा अर्णव जी आप हैं बिहार दरभंगा से, ओके ओके ओके।
अदर जो दिखते हैं सो ब्यूटीफुल बर्ड्स। थैंक यू जी। बोला सो योर फेस। एक मिनट अर्नब जी, थोड़ा काम कर रहे हैं अभी बर्ड्स के लिए, उनके लिए क्योंकि आपसे बात भी करते हैं अभी। अरे जी बोल रहे हैं हाउ आर यू, वेयर आई एम फाइन एक्चुअली, आई एम फाइन फाइन। अभी इनका ब्रेकफास्ट का टाइम था तो फिर इनको खाना दे रहा हूँ। इनको थोड़ा लिक्विड फूड देना पड़ता है, कई बार नहीं देना पड़ता है, कई बार इनको वेजिटेबल देने पड़ते हैं तो कई बार इनको देना पड़ता है ड्राई फूड। अभी जो है इनको मैंने इनका फूड दिया है जिसमें कि अभी आप देख सकते हैं आज जो पैरेट्स हैं वो नहाने की कोशिश में हैं, तो अब इनके लिए मुझे बड़ा बाउल रखना पड़ेगा जो कि ये नहा भी रहे हैं। तो कल से इनके लिए बड़ा बाउल रख दिया जाएगा इसमें।
अंकिता ओपी जी आ गई, मोस्ट वेलकम अंकिता जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर लाइक अंकिता जी। अंकिता जी बोलिए, ठीक हूँ भाई। ओके अंकिता जी, आपका ब्रेकफास्ट हो गया? अर्नव जी मोजिस मत सेंड कीजिए। अंकिता जी बोलिए, नमस्कार सर। अंकिता जी बोल रही है हाँ। विकी जी बोल रही है थैंक्स अंकिता जी। अच्छा अंकिता जी, आपका लंच भी हो गया है? ओके ओके, अंकिता जी बोल रही है लवी हेलो, तो लवी जी आपको अंकिता जी हेलो बोल रही हैं। आज देखिए मेरे पैर जो है नहा रहे हैं, सर्दी में भी सर्दियां भी आज ही नहाना शुरू कर दिया उन्होंने आज। सिर्फ दो पैरेंट्स ही जो है अभी नहा रहे हैं, बाकी जो है देख रहे हैं उनको ऊपर से कि कभी हटे और कब हमारी बारी आए नहाने के लिए। वीके जी बोल रहे हैं नॉट सेंड इमोजी, बिल्कुल अर्णव जी इमोजी सेंड मत कीजिए, स्पैम हो जाएगा मैसेज आपका। अंकिता जी बोली चलो अच्छा है। लवी जी बोल रही हैं कैसी हैं आप अंकिता जी, और अंकिता जी लिखे हैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अंकिता जी पूछ रही हैं आप सिस्टर हो या प्रो? लवि जी बोल रही हैं सिस्टर, ये सिस्टर अंकिता जी कल हैं ये कल। मेरे पैरेट्स नहा धो के रेडी हो गए हैं, अब बाकियों की बारी है। अंकिता जी लिखिए ओके सिस्टर। सब लोग कमेंट कीजिए कौन कौन लाइव पर है अभी। और रश्मि जी आ गई, रश्मि जी बोल रही है हेलो ऑल, तो सबको रश्मि जी हेलो बोल रही है दोस्तों। फ्रेंड्स अब उसका खाने का टाइम हो गया है।
नहीं अभी भी उसको नहाना ही है। लगता है गर्मी ज्यादा लग रही है। लवी जी वो अंकिता जी पूछ रही, लवी जी क्या आप वीडियो अपलोड करती हो? तो लवी जी आपसे अंकिता जी पूछ रही है क्या आप वीडियो अपलोड करती हैं? देखिए जी लिख रहे हैं अंकिता जी के पास बहुत स्किल है। अर्णव जी पूछ रहे हैं हाउ मेनी रैबिट्स यू हैव? तो अर्णव जी फिलहाल मेरे पास एक ही रैबिट है, उसकी जो फीमेल थी वो मर गई है और अभी कुछ दिनों में मैं जो हूँ रैबिट्स लेके आने वाला हूँ, तो उसकी जो वीडियोस होंगी वो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर कि मेरे पास कितने रैबिट हो जाएंगे उस टाइम पे। फिलहाल तो मेरे पास अभी एक ही है और कुछ हैमस्टर भी मैं लेके आने वाला हूँ। और अंकिता जी लिखे नहीं सर, अंकिता जी बोल रही लवी आपको क्या? तो अंकिता जी पूछ रही लवी आप अंकिता जी लिख रही है वीके सर वीडियो नहीं चल रहा ना ही सब बढ़ रहे हैं। अच्छा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं ओके। और लवी जी लिखी नहीं दी मेरे अभी वीडियो नहीं है। अंकिता जी बोल रही ओके। तो लवी जी आपका चैनल नहीं है मतलब अभी? लवी जी लिखिए सोच रही हूँ स्टार्ट करने की। ओके लवी जी अच्छी बात है कर दीजिए आप स्टार्ट। अर्णव जी लिख रहे हैं ओ सो सैड, बिल्कुल अर्णव जी उसकी जो फीमेल थी उसको कुछ बीमारी वगैरह हो गई थी और उसकी डेथ हो गई, उसको मैंने मेडिसिन वगैरह भी दी थी बट नहीं बच पाई। तो वो छोटेपन में जब मैंने उनको ले गया था न्यू। ओके फ्रेंड्स अंकिता जी बोल रही है वीडियो डाला है देख लेना सब, तो सभी लोग अंकिता जी की वीडियो जरूर देख लेना, उनकी वीडियोस जो काफी अच्छी होती हैं। बिल्कुल पता ही नहीं चलता है क्या हुआ हुआ रैबिट को, वो मैं सिर्फ लेके आया था तभी उसको तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और उस टाइम पे उसके थोड़े दिनों बाद कुछ दिनों बाद डेथ हो गई थी। तब से मैंने उसको परचेज नहीं किया, बस सिंगल रैबिट रखा है अपने पास और अब मैं सोच रहा हूँ लेके आने के लिए दो फीमेल और एक मेल। अर्णव जी लिखे सो सैड जो रैबिट जा रहा है।
वीके जी बोले सब अंकिता जी की वीडियो देख लें। बिल्कुल सब अंकिता जी की वीडियो जरूर देख लेना फ्रेंड्स, जितने भी अभी लाइव पर हैं और बाकी को मैं शेयर कर दूंगा। अंकिता जी की वीडियो जरूर देखें, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। और जानवी जी आ गई, मोस्ट वेलकम जानवी जी। जानवी जी लिख रही हेलो ऑल, और जानवी जी बोल रही हेलो अंकिता जी। वीके जी बोले अर्णव इमोजी मैसेज डिलीट करो। तो अर्णव जी जितने भी आपने इमोजी मैसेज भेजे हैं वो डिलीट कर दीजिए, और आगे से प्लीज इमोजी मैसेज सेंड मत कीजिएगा। अर्णव जी अगर आप हैं तो इमोजी मैसेज डिलीट कर दीजिए अभी। अर्णव माय फ्रेंड, आपने जो इमोजी मैसेज सेंड किया हुआ है पहले भी, उसको भी आप डिलीट कर दीजिए। अर्णव जी, अर्णव बोल रहे हैं वीके जी ओके। बिल्कुल अर्णव जी आप मैसेज डिलीट कर दीजिए जो आपने इमोजीज वाले सेंड किए हुए हैं। अंकिता जी बोल रही थैंक्स सर। वीके जी बोल रहे हैं मोर देन टू इमोजी स्पैम है, तो आप अगर टू इमोजी ज्यादा सेंड करेंगे तो वो स्पैम हो जाएगा, इसलिए आप इमोजी वैसे तो सेंड ही ना करें, और अगर करने भी हैं तो एक या दो, उससे ज्यादा इमोजी आप प्लीज सेंड ना करें, वो स्पैम हो जाएंगे। और अंकिता जी बोल रही है जानवी जी हेलो, तो जानवी जी आपको अंकिता जी हेलो बोल रही हैं। अर्णव भाई आप कर दीजिए डिलीट अपने इमोजीज वाला, वैसे तो डिलीट नहीं किया है। अर्णव भाई पहले आप डिलीट तो करो मैसेज। और वीके जी बोल रहे अर्णव की वीडियो भी देख लेना। ओ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अर्णव की वीडियो भी आप देख लेना, वो ब्लॉगर हैं, ब्लॉग करते हैं, उनके पास भी एक रैबिट है, तो उनकी वीडियो भी आप जरूर वॉच करना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको, वो भी इनके साथ फ्रेंड बन जाना उनके। थैंक यू अर्णव जी, आपने जो मैसेज इमोजी वाले थे डिलीट कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने फ्रेंड्स को बोल ही रहा हूँ कि आपकी वीडियो जरूर वॉच करेंगे और आपको फ्रेंड भी बना लेंगे। दोस्तों कमेंट करते रहो कौन कौन लाइव पर है।
तो आशु भाई आ गए हैं, आशु जी कह हेलो ऑल लाइक डन, कैसे हैं आशु भाई, मोस्ट वेलकम आशु जी, थैंक यू फॉर लाइक आशु जी। रश्मि जी लिख रहे हैं हेलो आशु, चलिए आपको हम दिखाते हैं अपना रैबिट बनी। ओए किट्टू देखिए अपना को कैसे साफ कर रहा है वो चाट चाट के। रैबिट्स ना ये बहुत अच्छी होती है कि अपने आपको बहुत ज़्यादा साफ रखते हैं, आपका घर जरूर गंदा कर देंगे बट अपने आप को जरूर साफ रखेंगे, रैबिट में ये आदत होती है। और रश्मि जी लिख रही हैं हेलो आशु, तो आशु जी रश्मि जी आपको हेलो बोल रही हैं। किट्टू अर्णव जी लिख रहे हैं, अर्णव लिख रहे हैं ओके, और वीके सर लिख रहे हैं हेलो, वीके सर हेलो बोल रहे हैं सभी लोगों को। यानी पैरट्स को क्या हो गया, अभी सभी पैरट्स जो एक साथ बैठे हुए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं कोई भी, दो पैरट्स नहा के बैठे हुए हैं, तो देखिए ये भाई साहब आज नहा लिए और ये वाले भाई साहब भी आज नहा के निकले। ओए मिट्टू अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया, बस इन दोनों ने बात की है, नहा के दोनों बैठे हुए हैं बट किसी ने भी खाना नहीं खाया, मॉर्निंग में खाया था बट अभी कोई नहीं खा रहा है इसलिए देखते हैं कब खाएंगे। ये लोग सोना स्टार्ट कर चुके हैं खा पी के, वीके जी लिख रहे हैं धूप में रख दो, बिल्कुल वीके जी धूप में रखेंगे बट अभी थोड़ी देर बाद, अभी क्या है बाहर चील वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और थोड़ी देर बाद इनको हम धूप में ज़रूर रखेंगे और मुझे भी वहीं पर रहना पड़ेगा ना इनके साथ में। कि दोस्तों अगर पेट्स को बर्ड्स को या फिर किसी भी अपने छोटे पेट्स को आप धूप में रखते हैं तो उनके साथ ज़रूर रहें, अदरवाइज़ मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि कोई भी बड़ा पक्षी या फिर बड़ा एनिमल यानी कि कैट डॉग और बर्ड्स में आपका जाता है ईगल आउल, ये सब जो है उस पर अटैक कर देंगे और आपके पक्षी आपके पेट्स को हार्म कर सकते हैं, तो इसलिए जब भी आप उनको खुले ओपन एरिया में रखें धूप में तो आप ज़रूर वहाँ पर साथ रहें, अदरवाइज आपके रैबिट को या फिर आपके पैरट्स को या फिर आपके पीजन को जो भी आपने बर्ड्स या फिर एनिमल रखा होगा उसको हार्म पहुंचा सकते हैं और हो सकता है वो मर भी सकता है, तो इसलिए जब भी आप खुले में लेके जाएं तो आप अपने साथ रखें और आप भी वहीं पे रहें, ऐसा ना हो कि आपने उसको खुला छोड़ दिया है खुले में घूमने के लिए और आप आराम से कहीं साइड में जाके बैठ गए हैं तो इतनी देर में तो दोस्तों उसका काम जो है पक्षी या फिर कोई भी एनिमल कर देगा, तो इसलिए बिल्कुल आप साथ में रहें। ज़रूरी होता है कि खुले में उसको घुमाना ज़रूरी होता है, धूप इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मॉर्निंग की, बट ऐसा नहीं है कि आप धूप में रख दें वो खुद साइड में जाके बैठ जाएं, जब भी आप इनको लेके जाएं अपने टेरिस पर या गार्डन में तो आप इनके साथ रहें दोस्तों। अंकिता जी बोल रही है हाँ सही कहा, बिल्कुल अंकिता जी। और दोस्तों एक और बात होती है, रैबिट अगर आपने रखा हुआ है तो रैबिट का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, रैबिट को जब भी आप खुले में लेके जा रहे हैं तो गार्डन में ना लेके जाएं, अपने छत पर ले जाएं टेरिस पर ले जाएं और गार्डन में लेके जा रहे हैं तो आप उसके साथ बिल्कुल साथ रहें, क्योंकि रैबिट जो है बहुत ज़्यादा जो है डरने वाला जानवर होता है, ये बहुत जल्दी डर जाता है, अगर कोई डॉग बार्क भी करेगा ना दूर से तो ये डर जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, इसको ऐसे ना लेके जाएं बाहर ज़्यादा, इसको टेरिस पे ले जाएं, आप गार्डन में जाते हो तो बिल्कुल इसके साथ रहें, अदरवाइज ये बहुत जल्दी डर जाता है उसको अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अर्ण जी बोल रहे हैं सो योर फेस प्लीज 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 प्लीज, क्या बात है अर्ण जी,
फेस देख के क्या करेंगे आप? किट्टू, ओए किट्टू, देखो तुमसे कौन मिलने आया। चलो सबको हेलो बोलो। कितना शरीफ है, हालांकि इतना शरीफ ये है नहीं, बट ये अपनी वीडियो शरीफ बन के जरूर दिखाता है। इसको भी छोड़ दो ना, खुला कर भाग जाएगा, घूमने लगेगा, पूरे घर में घूमेगा। बट जब भी लाइक करो या इसकी वीडियोस बनाओ तो बहुत शांत हो जाता है, शरीफ बन जाता है। कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है ये, बट आज गुस्सा नहीं है, खा पी के शांत बैठा हुआ है। अंकिता जी बोली हेलो किट्टू, तो अंकिता जी आपको हेलो बोल रहे हैं। किट्टू आपके नए फ्रेंड आए, देखो क्या हो गया बेटा, शांत क्यों इतने आज? ये है ना, मालिश बहुत अच्छी करवाता है अपनी, गोद में बैठ जाएगा आराम से, उसको मालिश करते रहो, बिल्कुल नहीं हिलेगा, आराम से फैल के बैठा रहेगा। और जैसे ही आप मालिश करना बंद करोगे ये भाग जाएगा। ये इस काम में बहुत तेज है, खाना है, क्या बात है, खाओ खाओ खाओ। अरविंद सिंह आ गए हैं, मोस्ट वेलकम अरविंद जी। अरविंद जी लिख रहे हैं हाय। दोस्तों अगर पेट्स रखते हो तो सफाई आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अभी इसकी केज की भी सफाई करनी मुझे आज, कल तो मैंने की थी रेगुलर सफाई इसकी केज की, रोज़ होती है, बट आज नहीं हुई है, तो आज अभी इसकी सफाई करनी है मुझे। ये देख कितना गंदा कर देता है पेट, खा लिया, वेरी गुड। और चाहिए, चलिए दोस्तों भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए जो घास मेरे को लेके आ गई ना, हे घास को बोलते हैं, वो लेके आते हैं। बाहर चलते हैं और इसके लिए वो घास जो है भी लेके आते हैं। जी अपने घर के बाहर घास लेंगे, रैबिट के लिए घास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ थोड़ा बाहर, देखते हैं इसके लिए घास मिलती तो अच्छी। दोस्तों रैबिट को जो आप घास देते हैं ना, वो बिल्कुल हरी घास ना दें, वो आप कम दें उसको, बल्कि जो सूखी घास होती है उसको हम हे बोलते हैं, जो आजकल अमेजोन वगैरह पर भी अवेलेबल होती है, वहाँ से वो ले सकते हैं अगर आपके घास पास नहीं है तो। बिल्कुल ना दें, अगर देनी भी है तो आपको थोड़ी मात्रा में उसको दे दें, ज़्यादा ना दें, अगर ज़्यादा दे देंगे तो उसके लिए अच्छी नहीं होती इतनी। चलिए देखते हैं फिर, देखिए दोस्तों ये घास उसके लिए बेस्ट है, ना ज़्यादा ग्रीन है ना ज़्यादा सूखी हुई है, ये बिल्कुल उसके लिए बेस्ट घास है दोस्तों। तो अपने रैबिट्स को आप ये ज़रूर दें अगर रैबिट्स रखा हुआ है तो आपने। ये कुछ प्लांट्स हैं मेरे बाहर हाउस के जो मैंने लगाए हुए हैं,
चलिए चलते हैं अपने रैबिट्स के पास वापस, को घास से थोड़ी सी खाने के लिए। रंजी बोल रहे हेलो किट्टू, तो किट्टू तो अभी घर पे ही है, मैं तो उसके लिए घास लेके हम लोग बाहर से आपको दिखाते हैं किट्टू क्या कर रहा है इस वक्त। हाँ जी किट्टू, ओए किट्टू आजा घास ले अपनी, चल चल जो चलो चलो अंदर लो अंदर 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 खाओ बेटा चलो। अरे इसका पेट अभी भरा हुआ है, इसने वैसे ही बहुत ज़्यादा खा रखा है अभी, बट उसको जो पसंद है वो उसको ज़रूर खाता है। देखिए इसने स्टार्ट कर दिया अपनी घास को भी खाना, और रैबिट के लिए घास जो मैंने बताई ना आपको भी हल्की सी ग्रीन हल्की सी सूखी हुई, यानी इसको कहते हैं हे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसके लिए, उसके डाइट के लिए। रैबिट की डाइट में आप उसको 80% यही घास दें और 20% या फिर 10% या 15% आप उसको दे सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, 15% आप उसको दें ग्रीन वेजिटेबल्स, 80% आपको उसको यही घास देनी है, और बचे हुए 5% आप उसको स्नैक्स दे सकते हैं। स्नैक्स जो एनिमल खाते हैं सिर्फ वही स्नैक्स को दें, अदरवाइज ये ना हो कि आप उसको अपने बिस्किट वगैरह, देखिए दोस्तों बिस्किट वगैरह जो हैं आप बिल्कुल भी रैबिट्स को या फिर किसी भी एनिमल को जो अपने छोटे तौर पर रखे हुए हैं जैसे पेट्स में आपको डॉग्स को दे सकते हैं, बट कहते हैं कि डॉग्स को भी एनिमल वाले बिस्किट ही देने चाहिए, ह्यूमन वाले नहीं देने चाहिए, क्योंकि तो हर चीज़ अलग अलग होती है दोस्तों। और रैबिट्स को आप रोटी वगैरह थोड़ा कम दें, बिकॉज वो एनिमल्स के लिए अच्छी है, रैबिट्स के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। रैबिट्स को आप 80% घास दें, 15% आप उसको ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हैं, जिसमें कि आपका शलगम हो गया, पालक, मूली के पत्ते, गोभी के पत्ते, ये आ जाती हैं। और जो 5% स्नैक्स है उसमें आपको फल दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, और जिसमें बीज होते हैं ना फल में, वाटरमेलन हो गया जैसे कि, ऐसी चीज़ें उसको आप बिल्कुल ना दें। और अर्णव जी बोल रहे हैं रेड आइज, बिल्कुल अर्णव जी ये रेड आइज ही है। और वीके जी बोल रहे हैं हेलो, ये जो रैबिट है ये रेड आइज है मेरे पास, बिल्कुल सही बात बोली आपने। आपके पास कौन सा है? और रश्मि जी बोल रही हेलो, और लवी जी बोल रहे घास खा रहा है, बिल्कुल लवी जी जो मैंने उसको घास ला के दी है उसको ये बड़े आराम से खा रहा है, उसको बहुत पसंद होती है ये वाली घास। बोल रही है अभी फेस भी दिखा रहा है, बिल्कुल अभी ये खुश है, तो इसलिए सबसे कुछ आराम से बैठ के इधर देख भी रहा है और खा रहा है।
अर्णव भाई लिख रहे हैं क्यूट, थैंक यू अर्णव जी, थैंक यू भाई। अर्णव जी लिख रहे हैं एप्पल, आशु हेलो, क्या खरगोश है इतना प्यार, आई हैव आल्सो रेड आईज। अच्छा रजी बटन, मेरे पास भी रेड आईज है। ओके अर्णव जी, ओके ओके, तो एप्पल आप दे सकते हैं बट उसके बीच मत देना है। तो अर्णव जी आपको बता देता हूँ, आज आपने अगर एप्पल की बात छेड़ी है तो एप्पल के बीच में थोड़ा कैफीन होता है, वो आप पैरेट्स को भी बिल्कुल ना दें। अगर पैरेट्स भी रखे हैं किसी ने तो एप्पल के बीज ज़रूरी बिल्कुल भी ना दें, उसके लिए वो बिल्कुल जहर है। तो एप्पल के बीच में कैफीन पाया जाता है, तो आप बिल्कुल भी एप्पल के बीच ना दें, ना ही रैबिट्स को, ना ही पैरट्स को, ना ही बजीज को, किसी भी पैराकिट्स को ना दें। पैराकिट्स में जो भी पैरट्स आते हैं उसको किसी को भी एप्पल के बीच ना दें, ये इनके लिए जानलेवा हो सकते हैं। एप्पल के बीज हो गए, कॉफ़ी हो गया, इन सब में ना कैफीन पाया जाता है, ये बिल्कुल भी आप ना दें। इसको बिल्कुल अपने रैबिट्स को, पैरट्स को, किसी भी पैरट्स को अपने ना दें, इनसे आपके पैरट्स की या फिर आपके एनिमल्स की, आपके पैट्स की जान जा सकती है। हाँ आपको एप्पल खाते हैं पैरट्स, अच्छी बात है, पर बीज उसको आप ना दें। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि हम तो खिलाते हैं कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो कभी नहीं हुआ वो अब भी ना हो, इसका ध्यान रखें आप लोग। अर्णव लिख रहे हैं क्यूट, वीके जी लिख रहे हैं हेलो किट्टू, ओए किट्टू, Thank you.
अरविंद जी आ गए। अरविंद जी लिख रहे सुपो। अरविंद जी कहाँ से हैं आप?
एसजी वर्जन, मोस्ट वेलकम एसजी वर्जन जी कहते हैं आप। थैंक यू फॉर लाइक एसजी जी। कैसे हैं आप एसजी जी? एसजी जी बोल रहे मैं ठीक हूँ। ओके एसजी जी आप ठीक हैं? आपका लंच हो गया सर जी? ये सब सो रहे हैं अभी इस वक्त। और छोटे वाले जो पैरेट्स हैं मेरे वो इस वक्त बोल रहे हैं, जो बजीज पैरेट मेरे पास अवेलेबल हैं वो भी बोल रहे हैं। हाँ जी लंच हो गया एल जी जी बोल रहे हैं। आपके भजन मैं सुनता हूँ, काफ़ी अच्छे भजन होते हैं आपके। देखिए ये भी इस वक्त बोल रहे हैं, बड़े वाले शांत हैं इस वक्त, छोटे वाले पैरेट्स हैं वो बोल रहे हैं। जी बोल रही है अच्छा। हाँ जी एस जी जी एस जी जी बोल रही है ओ वेरी क्यूट। हाँ जी ये बहुत क्यूट पैरेट्स हैं, छोटे छोटे पैरेट्स, ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स होते हैं ये बजीज, काफ़ी क्यूट होते हैं, डिफरेंट कलर में आपको मिल जाते हैं पैरेट्स। अच्छी जी बोल रही हैं आई मीन ये सेल के लिए हैं? नहीं अच्छी जी वैसे तो ये सेल के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल पैरेट्स हैं सभी। बट इनका जो मेरे पास एक फार्म मैंने ओपन करने की सोच रहा हूँ, इस फार्म में इसकी जो ब्रीडिंग होती है वो मैं सेल कर सकता हूँ। बिल्कुल ये पैसा नहीं है एक तरीके से मेरा, आप जान सकते हैं। बट अभी क्या मेरे पास जो पैरेट्स हैं तो मेरे खुद के पर्सनल हैं, बट इनका मैं एक फार्म खोल रहा हूँ क्योंकि ये अगर इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो अगर कोई लेना चाहे तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ। बिल्कुल 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 अच्छी जी। तो अभी मेरे पास पेयर्स अवेलेबल हैं, इनमें अभी किसी की ब्रीडिंग नहीं हुई है। छोटे वाले जो बजीज हैं इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस चल रहा है अभी, और जो बड़े वाले हैं उनमें भी ब्रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, अभी ब्रीडिंग नहीं हुई है। रैबिट भी मेरे पास हैं जो ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं, बट अभी मेरे पास एक रैबिट है जो ब्रीडिंग वाले प्रोसेस वाले रैबिट है वो कहीं और पे है मेरे, वो मुझे लेके आने अपने वहीं पर। अच्छा आपके पास हस्की है, हस्की डॉग? अच्छा तो आपके पास मेल एंड फीमेल है कि मेल मेल है या फिर फीमेल फीमेल है? बिल्कुल एस जी जी, इनकी पप्पीज की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अच्छा मेल एंड फीमेल है तो आप ब्रीडिंग करवाते हैं उनकी? देखिए मेल एंड फीमेल अगर रखे हैं तो ब्रीडिंग तो आपको करवा ही लेनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ डॉग्स रखने की। फिलहाल तो मैं जर्मन एंड लेब्रा की सोच रहा हूँ, क्योंकि हस्की जो है अच्छा आप ब्रीडिंग नहीं करवाते हैं। ओके ओके ओके, हस्की की डिमांड बहुत ज़्यादा, अभी प्लान नहीं किया। अच्छा अभी आपने प्लान नहीं किया है, हस्की की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने भी सोच रखा था हस्की लेने की, बट अभी सभी एक साल के हुए। ओके ओके ओके, अभी एक साल के। मैंने भी सोचा हुआ हस्की डॉग लेने के लिए, बट अभी मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो काफ़ी हाई कॉस्ट पे है। तो मुझे भी एक हस्की डॉग लेना है और एक जर्मन एंड लेब्रा एज ए फार्म के लिए लेना है। सबका मेल जो है प्योर वाइट है, वो ओड आइज में है कि सिंपल आइज में है? सर जी जी आप दे देंगे? ओके ओके कोई इशू नहीं, आप दे दीजिएगा, आपको जो पेमेंट्स होगी वो बता दीजिएगा मुझे। अर्णा जी बोल रहे आई नीड वन मोर रैबिट। ओके अर्णा जी आप रैबिट ले लीजिए। अच्छा ब्लू आइज में आपका सिंपल है? ओके ओके ओके,
मैंने भी सोचा था कि डॉग्स रखना भी स्टार्ट कर दूं, बाकी पेट्स वगैरह तो हो ही गए हैं। डॉग्स की भी मैं सोच रहा हूँ, लेब्रा और जर्मन एज अ फार्म के लिए रखूँगा, और हस्की जो है वो मुझको पर्सनल चाहिए पेट के तौर पर। हस्की डॉग जो बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, लाइक अ वुल्फ। अर्जुन जी बोलो यू हैव रैबिट टू सेल। अर्जुन जी अभी सेल के लिए नहीं है, बट जैसे ही तैयार हो जाते हैं आई विल इन्फॉर्म यू। एसडी जी बोले हाँ फार्म में मेंटेन कर पाओगे, बिल्कुल एसडी जी बिल्कुल। मुझे ना एक तो शौक भी है इनका बहुत ज़्यादा पेट्स वगैरह रखने का, और फिर मैं सोचता हूँ कि अगर एक दो पेट्स रखा तो इतना सिंपल हो जाता है, बट अगर फार्म हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेट्स हो जाते हैं, मन लगा एक अच्छे से इन्वॉल्वमेंट बन जाता है। तो वैसे मेरा जो फार्म होगा ना उसमें आप ऐसी चीज़ें अवेलेबल करूँगा कि अगर कोई पेट्स किसी ने रखा हुआ है बट किसी कारण से नहीं पाल पा रहा है, फिर खर्चे नहीं उठा पा रहा है, तो वो भी आप वहाँ पर जो है मेरे फार्म में छोड़ सकते हैं। जैसे रेस्क्यू सेंटर भी वो हो जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग डॉग्स वगैरह जो है पाल तो लेते हैं, अच्छे से डॉग्स लेके परचेज कर लेते हैं और अपने घर पे रखते हैं, बट जब उसकी उम्र हो जाती है ना, वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल जी, आजकल जैसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि सभी लोग पेट्स को जो है डॉग्स को जैसे उसकी एज हो जाती है जब उसको ज़रूरत होती है अपने मालिक की, तब उसको छोड़ देते हैं रोड्स पर और सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसे डॉग्स के लिए मैं अपने जो मेरा फार्म होगा वो हमेशा के लिए ओपन रहता है, कि उसमें आप अपने ऐसे पेट्स को बिल्कुल ला के रख सकते हैं, उनको छोड़े ना बिल्कुल। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी भी किसी पास आपको पेट्स हो जो उसको नहीं रख पा रहा, तो वो भी अभी भी मेरे को दे सकते हैं, तो उसमें भी क्या उनका थोड़ा सेफ हो जाते हैं ना पेट्स। एस डी सी में जब भी फाइनल हो जाए मुझे बताना। ओके बिल्कुल बिल्कुल आपको बताएंगे, अभी मैं सोच ही रहा था ऐसे करने के, बट अभी थोड़ा काम चल रहा है हर मेरे हाउस में, बना नहीं पूरा अच्छे से, इसलिए से एस डी सी बोले मैं भी जुड़ना चाहूँगी। बिल्कुल एस डी सी बिल्कुल बिल्कुल, आजकल देखा जाए तो पेट्स वगैरह पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल कई पेट्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर की कंट्री के होते हैं, और अगर उनको अगर पेट्स के तौर पर रखा है तो ठीक है, बट अगर आप उनको जंगल में छोड़ दें, ऐसी मेन रोड पे छोड़ दें, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसी का ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स ये पैरट्स ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं खुले में। कुछ इग्वानास होती हैं लिजार्ड बिग साइज की, वो अगर आप खरीदते हैं वो बाहर से इम्पोर्ट होकर आती हैं, और आप यहाँ पर उसको खुले में छोड़ दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। अच्छा आपकी बेटी की भी बिटिया की भी सेम फीलिंग्स हैं, बिल्कुल ये फीलिंग्स होनी चाहिए वैसे हर इंसान के अंदर। बिल्कुल जी, तो जैसे ही मेरा फार्म का फाइनल होता है मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, आप बिल्कुल जुड़िएगा मेरे फार्म से। हाँ जी हाँ जी, अर्णव जी बोल रहे हैं विच पेट यू हैव टू सेल। ओके ओके अर्णव जी, पढ़ लिया मैंने, आपने कई बार इसको लिख दिया, मैं पढ़ चुका हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। फिलहाल मेरे पास पैरट्स हैं, बजीज हैं, रैबिट्स हैं, और स्नेक जो है वो अभी नहीं है बट ऑर्डर किया हुआ है, अगर चाहें तो स्नेक भी आपको मिल सकता है, पाइथन। ओके एस जी जी, कोई बात नहीं। अच्छा अर्णव जी लिख रहे हैं डॉग, तो अर्णव जी डॉग अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, तो जैसे ही होते हैं मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे कांटेक्ट में रहिएगा। अर्णव जी लिख रहे हैं ओके, बिल्कुल अर्णव जी बिल्कुल बिल्कुल।
बट रैबिट का सेट डॉग। अरब जी क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा रैबिट के साथ डॉग। देखिए अरब जी बात ऐसी है कि अगर आप बचपन से अपने डॉग को या फिर रैबिट को किसी भी चीज को बचपन से साथ रखते हैं तो कोई इशू नहीं होता है, वो कभी भी एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और अगर आपका डॉग ट्रेंड है तो बड़े होने के बाद भी उसको हार्म नहीं पहुंचाएगा। और अगर जंगली डॉग है तो मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता, बट आजकल तो जंगली डॉग भी ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं। रश्मि कौशल जी बोल रही है हाय, तो रश्मि जी कैसे हैं आप? पैरेट्स की डिमांड वैसे भी अभी आ रखी है, 25 की आ रखी है, गोल्डन की आ रखी है, क्योंकि इनके बेबीज होते हैं तो प्लीज सील करें। अभी ऐसा कोई इश्यू है नहीं मेरे पास, जैसे इनके बेबीज होते हैं पक्का आपको बताऊंगा जिसको भी लेने होंगे। यू हैव अ डॉग? अर्नब जी मैंने आपको बताया मेरे पास अभी डॉग नहीं है। हाँ कुछ टाइम पहले मेरे पास डॉग थे, एटलीस्ट 3 डॉग्स मेरे पास थे, बट मैं वो किसी को ऐसे ही बेच चुका हूँ, क्योंकि पहले मेरा क्या था, मैं दिल्ली में रहता था और डॉग्स मेरे यूपी में थे तो उनकी देखभाल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने वो किसी को ऐसे ही एज अ फ्रेंड गिफ्ट कर दिए थे। बट अभी मेरे पास कोई डॉग नहीं है। चार्जर जी लिखे, ओह हैव अ नाइस डे, ओके थैंक यू। रश्मि जी लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी है, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपको भी अगर कहीं किसी रोड पर कोई पेड़ ऐसा मिले जो कि लावारिस हो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। कोई बर्ड्स अगर आपको मिले जो इंजर्ड हो तो उसको ज़रूर उसकी हेल्प करें। वाटर वगैरह अपने घर के आसपास खेतों पर पानी जरूर रखें बर्ड्स के लिए, और हो सके तो कुछ रोटी के टुकड़े या फिर बाजरा अगर आपके घर पे अवेलेबल हो, चावल हो तो ज़रूर आप अपने पेट्स के लिए ऐसे पैड भी रख सकते हैं। और अगर आपको कोई पेट्स नहीं है तो जो खुले बर्ड्स होते हैं फ्री बर्ड्स आसमान में जो उड़ते रहते हैं उनके लिए ज़रूर डालें, आपकी तरफ से थोड़ी हेल्प हो जाएगी।
चैनल जी लिखिए हेलो। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा लाइव को बंद कर देते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया, थोड़ी देर बाद लाइव आएंगे दोबारा से, शाम के टाइम पे आएंगे इवनिंग में। तब तक के लिए आप सभी को रेस्ट कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव पर आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बाकी बातें जो थोड़ी देर बात करते हैं शाम के टाइम पे। बाय बाय।